आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जब नीलम चिन्नप्पा रेड्डी के घर 19 मई 1913 को संजीव रेड्डी ने जन्म लिया तो अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में गुस्सा तेज हो रहा था। बचपन में गुलामी की जंजीरों की जकड़न किशोर होते संजीव ने महसूस की और 18 साल की उम्र में कॉलेज छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल भी गए। देश की राजनीति में उनकी शुरुआत भी इसी तरह हो गई। कांग्रेस से जुड़े और 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए जीते। देश की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर उनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। एक दौर था जब आंध्र प्रदेश में नीलम संजीव रेड्डी की तूती बोलती थी। दो बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। 1964 से 67 तक नीलम संजीव रेड्डी राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में जगह बनाई। इसके बाद इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में अनेक विभागों की जिम्मेदारी संभाली। 17 मार्च 1967 को वो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। जुलाई 1969 में कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, लेकिन अंदरूनी उथल पुथल के चलते वो हार गए। इसके बाद कुछ साल वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए और एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बने। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 4 महीने ही बीते थे कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का अचानक निधन हो गया। एक बार फिर नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस चुनाव में 37 उम्मीदवार मैदान में थे और संयोग देखिए कि 36 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने निर्विरोध जीतकर इतिहास रचा। कार्यकाल पूरा होने के बाद वो अपने शहर अनंतपुर लौट गए। 1 जून 1996 को वो हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए।